कोसवा भाई करंट क्राइम वालों ने इतनी गंदी न्यूज छापी है। आपको पूरी तरीके से भारत के अंदर पैर पकड़ लिया है। बेडरूम के घर में रहूंगा, आज शीश महल में रहने जैसे उन्होंने जनता भी नहीं बर्दाश्त करेगी कि वो जेल के अंदर से राजा मेरा जेल में रहे, पूरे जिले को शराबी बना दिया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया जी, बहुत। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। और हम दोनों उठ गए भाई, अभी हम तो रेडी भी हो गए दोस्तों। उठ के ये देखो नहा धो के एकदम मस्त रेडी हो गया है। और पता है दोस्तों उसका स्कूल का शायद आज है कल लास्ट डे होने वाला है, फिर छुट्टी पड़ जाएंगी। क्या पड़ जाएंगी? हाँ छुट्टी पड़ जाएगी दोस्तों, फिर हम छुट्टी में घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या है ना नानी, मस्त मजा आ जाएगा। आज स्कूल में क्या बनना, मदर डे पता नहीं। कल स्कूल में दोस्तों मदर्स डे की तैयारी कराई थी इनसे, कुछ पेंटिंग वगैरह करवाई थी, कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स बनवाए थे। और देखना इसके टैडी कितने सारे पीछे पड़े हुए, एक दूसरे के ऊपर लुढ़ के पड़े। और ये देखो हमें देख रहा है पीछे से, ये रहा देख दो जी, ये रहा। तो भाई मैं तो पी रहा हूँ चाय और ये भी करेगा अपना नाश्ता, उसके बाद जाएंगे हम इसको स्कूल छोड़ने। और टीवी हमने लगा लिया है, और पता है देखो पापा ने जो वीडियो डाली थी ना, जो वाली वीडियो डाली थी नॉनवेज वाली, उसकी अखबार में फ़ोटो भी आई है लेटर देते हुए, पता है। वही नोनू का नाश्ता आ गया, चलो मैं से नाश्ता करा देता हूँ दोस्तों, छोड़ने का हूँ। नॉन वेज होता है ना गंदा, मुर्गा मुर्गा जो है ना, हम तो खाते ही नहीं है। हाँ नहीं तो हम नहीं खाते ना, गंदे लोग हैं, रोड पे बेचते हैं ना। चलो दोस्तों मैं इसको नाश्ता कराता हूँ, उसके बाद मैं इसको छोड़ के आता हूँ, है ना। देखो दोस्तों व्योम जा रहा है स्कूल, बैग टांग के आप पे आप, बाय व्योम, बाय बाय, जाओ स्कूल आ गया, चलो जाओ 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 जल्दी। तो दोस्तों नहा धो के हो गया हूँ रेडी भाई, बाकी कल मैंने अपनी कटिंग वटिंग सेविंग का सेट कराई थी, और देख रहे हो थोड़ी थोड़ी सी वाइटनेस नज़र आ रही होगी, वो भी कोई बात नहीं कलर करा लेंगे। और दूसरा दोस्तों एक बात, बहुत एक टॉपिक था जिस पर बात करनी थी, करंट क्राइम न्यूज़पेपर जो है जो हमारे ग्रुप में जुड़ा हुआ था, तो उन्होंने इतनी गंदी न्यूज़ छापी हमारी वाली, जो हमने नॉन वेज की ठेली को लेके जो हमने पत्र दिए लिख के, और उसको पूरी बात बता भी नहीं थी, बेतुकी बात अखबार में छाप दी है। तो अभी उसके खिलाफ हो रखे हैं बहुत ज़्यादा हमारे मंडल में, वो है भी गलत। जब तक आपको पूरी न्यूज़ ना पता हो तो गलत छापना नहीं चाहिए। न्यूज़पेपर अच्छी बात है, सुबह उठ के सब पढ़ते हैं, लेकिन कोई गलत पढ़े तो वो भी गलत है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। पूरी बात मैं आपको क्या ही बताऊँ, अगर जिनने पेपर पढ़ा होगा उसे पता ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो बाकी व्योम का वेट कर रहा हूँ, व्योम आया नहीं है आज। उसके में स्कूल में मदर डे सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि स्कूल से फोटो आई है, उसके ग्रीटिंग कार्ड बनाया था मदर्स वाला, तो मैंने कहा आएगा तो उससे पूछूंगा, लेकिन फिलहाल वो अभी आया नहीं है। तो मैं जा रहा हूँ मार्केट में ग्राउंड मारने, और जब आ जाऊँगा उसके बाद उससे पूछ लूँगा आके, ठीक है दोस्तों। और अब मैं कोशिश ये रखूँगा दोस्तों कि अब ब्लॉग में गैप ना हो, गैप होने से बड़ी दिक्कत होती है। और एक चीज़ और दोस्तों, शायद 3 बजे एक डिबेट भी है नीतिखंड थर्ड में, अगर टाइम मिला तो मैं वहाँ पे भी जाऊँगा, तो उसकी भी थोड़ी सी अपडेट अपने ब्लॉग में देने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। बाकी जो टॉपिक मैंने आपको बताया कि उन्होंने गलत नहीं छापी है, उस पर क्या एक्शन होता है क्या नहीं, उसकी भी जानकारी मैं आपको दे दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो चलता हूँ जरा मार्केट की तरफ। दोस्तों व्योम आ गया, ये देखो आई लव मॉम क्या लिखा है, आई लव मॉम। और मानो क्या कह रहा है, किसका कार्ड है? शादी का कार्ड, शादी का कार्ड। पापा की दूसरी शादी कराएगा क्या है? किसने बोला तेरे से पापा की शादी का कार्ड है, किसने बोला? हार्ड बनाया इस पे, देखो दोस्तों कह रहा है हार्ड भी तो बनाया इस पे, लेकिन शादी का कार्ड ले पापा, मैं ले आपका स्कूल से लाया हूं मैं। अपने स्कूल से लाया, किसने बनवाया ये? मैंने। अच्छा ओ इस पे तो हैप्पी मदर्स डे लिखा है, ये देखो ये किसने लिखाई है, हैं? और इस पर नाम भी लिखा है वेदांश, ये देखो दोस्तों है ना। और ये किसने चुकाया था, अच्छा सच सच बताना, ये किसने चुपकाया था, कट पीस करके दिया था, चुपकाया किसने है ये? मैंने। हाँ देखो दोस्तों कितना सुंदर काम किया है इसने, है ना। चलो तो आप जाओ अंदर, ठीक है दोस्तों मैं निकल रहा हूँ, मेरा चश्मा गिर गया दोस्तों, वो तो मैं उठा रहा हूँ, तो ठीक है दोस्तों मैं निकल रहा हूँ। और व्योम आगे तो व्योम मुझे देगा पारी, एक अच्छी सी पारी दियो, पारी दे पारी दे पारी दे, आई अरे बाप रे, अब मैं भी अब मेरी तो रह गई, मेरी तो रह गई, ये भी देगा। हाँ ठीक है दोस्तों मैं निकलता हूँ जरा। मैं आया हूँ नीतिगंज थर्ड में सेंटर पार्क में, यहाँ पे डिबेट है,
मैम मेरे साथ चल रही हैं और भैया जी हमारे आगे, आज भैया जी मेन हमारे, आज भैया जी की स्पीच अच्छी होने वाली है। डिबेट है दोस्तों, मजा आने वाला है। बाकी देखो कितनी देर में चालू होएगी, अभी बज रहे हैं चार बज रहे हैं दोस्तों। एक मिनट टाइम देख लेता हूँ मैं, टाइम हो रहा 3:30, सॉरी 3:30 हो रहा है। ठीक है चलते हैं भाई, नीतिगंज थर्ड सेंट्रल पार्क। तो भाई पोस्टर यहाँ लग चुके हैं, बाकी जनता धीरे धीरे बैठना चालू हो जाएगी। हम आ गए पहले ही मिलने के लिए। बोल बोलिए, शायद डिक्लेयर ही कर दें, मोदी डिक्लेयर करवा देंगे। बस गाजियाबाद राजधानी में मिले, फिर हम बताते हैं वोटिंग कैसे होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉर 24। पिछली बार जीती हूं आपके साथ शाजिया निसाब, लेकर हाजिर हूं जनता का शो, जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे को लेकर के अपनी राय रखती है, अपनी आवाज को बुलंद करती है और मुखर होकर बोलती है। आज का मुद्दा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, देश की सियासत सीधा दिल्ली से चलती है और दिल्ली से जुड़ा हुआ मुद्दा है अरविंद केजरीवाल की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे पर अपनी राय को बुलंद करती है और साथ ही साथ अपनी बात भी रखती है। आज का मुद्दा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मुद्दा है, इतना बड़ा क्राइम भी नहीं किया उन्होंने और आदतन अपराधी भी नहीं, तो उस परिस्थिति में यदि बेल देने की बात हो और खास करके तब, और जब वो ये बात कह रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री की हैसियत है हम कोई पेपर साइन नहीं करना चाहते या नहीं करेंगे हम, ये कौन तय करेगा कुर्सी छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए? यदि संवैधानिक रूप से संकट है तो कुर्सी छोड़ना क्या चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए अरविंद केजरीवाल को, लेकिन संवैधानिक रूप से यदि संविधान अब आप बताइए, ये मक्कार आदमी इतने बड़े ईमानदारी का चोगा पहन के आए थे, जनता भारत की जनता तो छोड़िए, विदेश में बैठे हमारे एनआरआई भाई लोगों को भी एक उम्मीद जगी थी कि भारत में एक नई जो दिशा और सुनाऊंगा जब फाइल साइन करने का कोई संवैधानिक प्राविधान ही नहीं है, क्योंकि इस बंदे के पास कोई विभाग ही नहीं है। भ्रष्टाचारी 40% कमीशन वाला एमएलए क्यों नहीं जेल के अंदर है? हिमाचल में क्यों नहीं जेल के अंदर है? 5 साल राजस्थान में आलोक जी, मुश्किलें बढ़ती हुई अरविंद केजरीवाल की नजर आ रही है, कारण ये कि पहली दफा है जब उनको आरोपी बना रही है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की और चार्जशीट दाखिल कर रही है, कैसे संभालेंगे आने वाले समय में दिल्ली को अरविंद केजरीवाल इस सफाद से जेल में रह करके? क्या कोई और विकल्प नहीं है मुख्यमंत्री के लिए? खुद की बात हमारे यहाँ आज जो अरविंद केजरीवाल के साथ हो रहा है वो उनके जो का ही फल है, और अभी संजय भाई कह रहे थे कि कोई ऐसा प्रावधान नहीं वो जेल से चला सकते हैं, तो अगर प्रधानमंत्री भी जेल चला जाए, राष्ट्रपति भी जेल चला जाए, मुख्यमंत्री भी जेल चला जाए, चलती रहेगी व्यवस्था, फिर इनको बैठाया क्यों है? आप शायद भूल रहे हैं कि हर मुख्यमंत्री को सप्ताह में एक बार पूरे ऑफिसरों के साथ बैठकर पूरी कवायद करनी पड़ती है और मीटिंग में बैठना पड़ता है। ये कह देने से कि मेरे पास कोई मंत्रालय नहीं है, टाइटलर हेड ही होता है, उसको अपने हेड की जिम्मेदारी, अरे थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए। लालू यादव को हुआ, चलो किसी को नहीं पत्नी को बना तो दिया हटा तो अपने पद से। हेमंत सोरेन ने पहले सुनते थे अपनी वाइफ को बनाना चाहते हैं, लेकिन परिस्थिति बस फिर चंपा सोरेन को बना दिया, है जेल आदमी चला रहे हैं। आप प्रचंड बहुमत से आप आरोपी की जो आपने बात की, आरोपी की मैं बात करूंगा तो जिस प्रदेश में खड़ा हूँ उत्तर प्रदेश आज मुख्यमंत्री के ऊपर भी आरोप था और अपने देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और यूपी के मंत्री के ऊपर भी बड़े बड़े नाम बता रहे, मैं गिनाऊंगा तो आधे घंटे से ज्यादा टाइम निकल जाएगा। आरोप 18 घंटे बैठाई है और वो गए हैं मुख्यमंत्री होते हुए। खान साहब अगर बोलेंगे आप दबाएंगे ना?
तेज बोलोगे तो हकीकत बन जाएगा, चिल्लाएंगे तो झूठ सच हो जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री के ऊपर कौन से केस नहीं थे, केशव मौर्य के ऊपर कौन से केस नहीं थे, आरोप थे कि नहीं, आरोप साबित हो गए क्या? मैं पूछ रहा हूँ, केस केस होना अलग बात है और सजा होना अलग बात है, आप सजा बताइए। झूठे आरोप है, झूठे आरोप लगाना तो आसान है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को मैं आपकी बात मानता हूँ और आपकी वो इनोसेंट जज करना चाहिए जब तक उस पर सजा नहीं कायम हो जाए। मैं कौन से मुख्यमंत्री चलाते नहीं चलाते, मैं दिल्ली की बात बता रहा हूँ। दिल्ली मुख्यमंत्री अगर चला रहा है और दिल्ली में क्या दिक्कत आ रही है, सारे मंत्री तो फ्री है, सारे मंत्रालय तो अपना काम कर रहा है। स्कूल में जैसे कौन सी सरकार चलती है, संविधान में मैं बता रहा हूँ, मैं भी मेरी भी आप सुनिए पूरी बात। आप बोलिए, दिल्ली में कौन सी दिक्कत है, तो दिल्ली में पानी की दिक्कत है, कहीं गंदा पानी आ रहा, स्कूल में किताब नहीं मिल रहा है बच्चों को, बात कर रहे हैं जिसका संज्ञान कोर्ट ने भी लिया है। आप यूपी में खड़े हैं ना, यहीं का पता कर लीजिए ना, यहाँ के मुख्यमंत्री बाहर है तो यहाँ क्या क्या गलत फहमी में आ गए भाई साहब, भैया गलत फहमी में आ गए तुम, भैया होमवर्क नहीं कर पाए, भैया होमवर्क नहीं कर पाया। आइए आइए, यही से लेके चलेंगे स्कूल पे आपको। मेरी कैसे सुन ले, बेवकूफ वाली बात, बेकार बात, होमवर्क करके ना बचपना दिखा रहा है। नहीं नहीं, ऐसे कैसे, करने दीजिए कोई बात नहीं, सही है सही है, बेचारा उसको आता कुछ है ना, उसको खड़ा कर दिया। कौन सी पार्टी से, आम पार्टी, आम चूसरा बड़े मैंगो सीजन चल रहा है, यही आया सब गर्मी आ गई, दशहरी लंगड़ा, गर्मी आ गई दशहरी लंगड़ा सर। अगर आम आम की बात चल रही है दोस्तों, आम की बात चल रही है आपकी, और आम देखो इधर लगे पड़े, ये देखो और बात जब ये आती है तो अभी देखिए ईडी ने क्या कहते हैं, आरोपी साबित करा, तो इससे पहले उन्होंने गिरफ्तार जो है केजरीवाल को किस बुनियाद पर किया, आज आप जो है उसमें पीएल दाखिल करके उनको आरोपी साबित करें, उससे पहले आप कहां थे? लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है, कहा कि राजनीतिक इसमें इनको जमानत दे दी जाए, अब चुनावी प्रचार चल रहा है, तो वैसे ही ईडी ने अपने हरकत में आई है, क्योंकि उसे पता है कि केजरीवाल जी जैसे ही जेल से आएंगे कहीं ना कहीं 2024 का जो ये माहौल है पलट जाएगा, जो ये बार बार भी बात करते हैं सुन लीजिए बात, देखिए केजरीवाल जी मुझे बात आपको कोरोना वाली वो दिखाई नहीं देती, लेकिन बाबा मैं तो ठीक कहता हूँ कि आप शराब को पूरी तरीके से भारत के अंदर बैन कर दीजिए, क्यों नहीं करना चाहते आप, कर दीजिए ना, आप लेक्चर खा रहे हैं, आप कभी कभी मुद्दे पे आइए केजरीवाल के ऊपर, हमारे भाई क्या बताना, ये सोच लेना और डाल लो और सब सुनने उत्तर प्रदेश वासी, तुम्हारी बहन बेटियां कॉलेज जाती थी ना तो गुंडे छेड़ते थे उनको, हमारी बहन बेटियां जब सड़कों पर निकलती थी तो उनके चैन और फोन छीन लेते थे, आज सब बंद कर दिया, जो भूमि माफिया कब्जा करते थे गरीब मजदूरों का, जमीनों कब्जा करते थे, वो कब्जा बंद हो गया। बहुत सुंदर, आप लखीमपुर खीरे भूल चुके हैं, ये बता दीजिए मनीष वाल्मीकि की बेटी के साथ क्या हुआ, एकदम से अच्छा लगने लगा, एकदम से अच्छा लगने लगा मुझे, अभी तो अपने यहाँ निकला बात, ये स्मार्ट लगने लगा अचानक, इसका दुपट्टा सा अच्छा लग रहा था मुझे, अच्छा लगने लगा, ये फूफा निकला बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, माता की हमारी बहन बेटियां काम करती है, सचित घर पहुंचती है, ये योगी जी का शासनकाल है, और हमारी पति ने क्या किया, अन्ना हजारे के मंच पर क्या बोला था कि मैं कांग्रेस के जेल भेजूंगा, एक जेल भेजे, आपने वोट लिया दिल्ली जनता का और क्या बनाई, शराब नीति, ना रोजगार नीति बनाई, ना शिक्षा नीति बनाई, ना व्यापार नीति बनाई, शराब नीति बनाकर
हमारी बहन बेटियों हम बच्चों के हाथों में आपने वो थैली पकड़ा दी शराब की, देना चाहिए दूध केजरीवाल केजरीवाल चला वाई गेट वन फ्री दिल्ली पंजाब बर्बाद कर दिया केजरीवाल चरस बेच रहा दिल्ली बर्बाद पंजाब बर्बाद मंत्रालय नहीं है चलाना नहीं आता है केजरीवाल है और बाकी सबको कैसे पीछे छोड़ते थे कमाल करा पूरा दिल्ली खा गया मतलब कैसे इन्होंने कितनी जल्दी इस करप्शन की महारत को हासिल कराया मैं कहता हूँ बाकी काबिल तारीफ आदमी है इस आदमी से जितने पंजाब में भी है। हाँ तो पंजाब में देखिए पंजाब में नशाखोरी मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि दिल्ली में नशाखोरी करवाने के बाद हर जगह पग पग पे ये नशे के ठेके खुलवाने के बाद इनका अगला निशाना था पंजाब में। पंजाब में नशाखोरी को बढ़ाने के लिए वहां पे इस को टारगेट करते हुए इनका निशाना दूसरा वहां पे भी था और इन्होंने अपने जैसा एक आदमी हेमंत मान बहुत बढ़िया आदमी जिसने जिस दिन उसका भगवंत मान सॉरी भगवंत मान जिसने जिस दिन मेरे ख्याल से उसकी शपथ थी उस दिन भी शायद उसने थोड़ी सी ज्यादा टॉनिक ले रखी थी। तो ऐसे व्यक्ति को सब साथ में लेके चलते हैं तो लाल मैं कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा गाड़ियां नहीं लूंगा ज्यादा मैं सिंपल दो बेडरूम के घर में रहूंगा आज शीश महल में रहने जैसे इन्होंने किया काबिले तारीफ है इतने कम समय में इतना कुछ अचीव कर लेना करप्शन के वाकई काबिले तारीफ है ऐसा नेता ना हुआ ना हो सकता है। ठीक है ठीक है महिलाओं की बात कर लेते हैं महिलाएं क्या कहना चाह रही है कौन महिला अपनी बात रखना चाह रही है खड़े हो जाइए। ऐसा क्या है जो जेल के अंदर रह के शासन चलाना चाहते हैं कहीं ना कहीं वो अपने शीश महल बचाने के चलते या फिर सत्ता का जो चाह है ये इस बार अगर गए तो शायद उनके नामो निशान मिट जाएगा इसलिए वो चाहते हैं कि जेल से हम सत्ता चलाएं। ये कहीं का कोई कानून नहीं है और कोई जनता भी नहीं बर्दाश्त करेगी कि वो जेल के अंदर से राजा मेरा जेल में रहे और शासन चलाए इसलिए मैं उसका बहुत विरोध करती हूँ और केजरीवाल जी को तो सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। दिल्ली की जनता को उन्होंने के साथ बहुत बड़ा धोखा दिया है बच्चों के साथ भी उन्होंने खिलवाड़ किया है और आगे तो भाई साहब जो कह रहे हैं ये बहुत गलत बोल रहे हैं उनके बारे में कोई उनकी तारीफ करे वो अपने आप में भी एक उनके भाई हैं। ठीक है बस मेरे कुछ सवाल है सवाल है मैम महिला होने के नाते जरा मुझे ये बताइए आप न्यूज़ देखी होगी हां जी आपको क्या लगता है दिल्ली के नाते यूपी ज्यादा सुरक्षित है महिलाओं के लिए या यूपी के मुकाबले दिल्ली ज्यादा सुरक्षित है क्या लगता है एक महिला होने के नाते? यूपी तो सेफ है मैं रही हूं और यूपी सेफ लंबे समय तक रही हूं उसके बाद गाजियाबाद में रही हूं किसी जमाने में गाजियाबाद को आपराधिक अड्डा बनाया था लेकिन आज की डेट में यहां के अपराधी सब दिल्ली में है वहां संरक्षण पा रहे हैं जहाँ तक मेरा अनुभव है और उसको संरक्षण देने वाले कौन है बताने की जरूरत नहीं है इसलिए गाजियाबाद बहुत सुरक्षित है उसका उदाहरण मैं भी हूँ कि मैं भी आज 12 बजे रात तक बाहर काम करती हूँ अपनी पार्टी के लिए भी काम करती हूँ समाज सेवा भी करती हूँ इसलिए गाजियाबाद ज्यादा सुरक्षित है। ठीक है ये मानना है महिलाओं का महिलाएं क्या मानती है लेकिन क्या वाकई दिल्ली में ये सिचुएशन है कि कुछ भी सवाल पूछे जाए क्योंकि दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे है और कब तक इन बातों से काम चलता रहेगा कि उनके पास कोई विभाग नहीं है और वो मैडम वो आम आदमी मन के आए हैं इतनी जल्दी इतना बढ़िया मैडम जी ने बोला है तो मैं दिल्ली में रहती हूँ हर बस में एक गार्ड दिया गया है मतलब केजरीवाल ने और हर बस में सेफ्टी है महिला के लिए सीट भी अड़क चल रही है मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ केजरीवाल पूछ लीजिए कि कितनी बस चल रही है तो हमारे लिए पुलिस भी अड़क चल रही है कोई नहीं खड़ा होता बस ठीक है भाई साहब ये सरकारी जमीन पे मुख्यमंत्री का आवास है भारतीय जनता पार्टी उसने बेहतर नीति बनाया लोगों का वोट पाए उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अरे मुख्यमंत्री ऐसा है नाम बड़े और दर्शन छोटे वो मुख्यमंत्री का आवास है सवाल हम देंगे बहुत बढ़िया डिबेट चल रहे दोस्तों उत्तर प्रदेश में राम मंदिर निर्माण हो रहा था क्या कह रहे थे मंदिर नहीं बनाओ यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाओ हॉस्पिटल बनाओ मतलब हिंदू की आस्थाओं को अपमान करना है जैसे कांग्रेस ने किया है अपमान हिंदू आस्थाओं का ऐसे ही केजरीवाल ने हिंदू आस्थाओं का अपमान किया
तो सारे गए थे, अखिलेश भी गए थे जिसने गोलियां चलाई हैं। राजधर्म पर क्या आपने शिक्षा नीति बनाई, क्या आपने बच्चों को रोजगार दिया, क्या आपने बूढ़े माता पिताओं को पेंशन दी, क्या आपने जो जो ठेली वाले पटरे वाले दारू बांटी है, पेंशन नहीं है दिल्ली में, पेंशन नहीं पिछले 4-5 साल से परेशान है सारे। मैं मुख्यमंत्री हूँ, ऐसा देश में मुख्यमंत्री ना था ना है ना रहेगा। कहने में वो शर्माते होंगे कि मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, दिल्ली का कोई गाजिया सरकारी स्कूलों में पढ़ता नहीं है। बिल्कुल दिल्ली से पढ़े हैं हम भी, कुछ नहीं हुआ। बाथरूम बना के करोड़ों 10-10 लाख रुपए का बाथरूम बना और कमरे दिखा। बड़ी स्पीड से काम करा, मानना पड़ेगा। जनता मूर्ख नहीं है, कैसे मूर्ख है, जो मूर्ख है वो अंदर है। जनता को मूर्ख नहीं। एक मिनट भैया सुनने दो, जरा सुनने दो, एक मिनट सुनने दो। अरे उनको एक शराब के बदले में दो बोतलें दो देती, बहुत बढ़िया। पहले तो बसों में एक टिकट फ्री करी, हाँ, उसके बाद 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी, बहुत बढ़िया। और सबसे बुरा ये करा, जो हमारे युवा है या कोई नौजवान है, एक शराब की बोतल में एक फ्री, अरे दो भी फ्री करी थी, दो भी करी थी। तो सोचो, हाँ चलो कर सकते हो, सही बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, जिंदाबाद। अगर शर्मदार है तो अपना छोड़ के अपनी बीवी को दे दे, हर आदमी के लिए कानून। बहुत बढ़िया, मैं जेल में भी बैठ के कानून चलाऊं तो उसको सजाए मौत होगी। क्या बात है भाई, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, राइट, बहुत बढ़िया। जय श्री राम। सच्चाई सुनने की हिम्मत रखिए, हाँ उसको सजा इतनी टेढ़ी देनी चाहिए, यादव पद छोड़ दे। देखो सिंपल आदमी बात कर रहे हैं, यादव पद छोड़ दे, झांसा दे रहा है जनता को, उन्होंने प्रदेश के अंदर इतने शौचालय बने हैं, कोई हम सारे असली हैं भैया, नकली कौन है वो पूछ रहा है, जो एक उंगली उधर कर रहा है वो तीन उंगली अपनी तरफ कर रहा है, नहीं गलत, सोच के बोलो बेटा। एक मिनट सुनो तो, अरे सुनो एक मिनट सुनो, केजरीवाल ने जो धोखा दिया था वो अन्ना हजारे जी को दिया था। बहुत बढ़िया, क्या बात कह दी, जो पार्टी जो चली वो अन्ना हजारे की वजह से चली, सही बात है। उनको तो साइड कर दिया, गुरु जी का चूरन बना दिया, अरे ऐसा झाड़ू निशान दिया कि झाड़ू झाड़ू की साथ कर दी। अब जेल में झाड़ू लग रही है। जब वो पहली बार बन के आए तो लोगों ने बड़ी अच्छी तारीफ करी, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप क्या कहना चाह रही थी जल्दी से? मोहल्ला की एक मंदिर है, ऐसा नहीं है, नेता में मैं रहती हूँ, हमारे बगल में डीडीए फ्लैट है, उसके भी जनता आके उसी में इलाज करवाती है। दिल्ली में ऐसे क्लिनिक्स भी है ना, मोहल्ला की मोहल्ला क्लिनिक्स, जहाँ पर कई जानवर आ रहे हूँ या फिर बंद पड़े आ रहे आ रहे हैं, मयूर विहार वाले 70%। आरोप है तो लगेंगे, देखो सच्चाई है, उसको उसको हजम करो। अगर वो चाहे सुनो, अगर वो चाहे तो छोड़ दे, गया तो कोई दिक्कत तो नहीं, अपनी बीवी को ना कोई दिक्कत रहती, जीने कोई दिक्कत रहती, तीन से ही बड़ी छोड़ निकल गए तो क्या करोगे, इतना ही प्रेशर दूंगा, खाएंगे नहीं खाएंगे। नहीं, किसी को भी बताइए, क्यों बदनाम कर रहे हैं।
का डिबेट रहा बहुत बढ़िया। और ये मैं नीतिकंठ खड़े में था, जैसे कि मैंने आपको बताया था सेंट्रल पार्क में। तो आज जो मुद्दा था वो था अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कि वो भाई अपनी सीट क्यों छोड़ने को तैयार नहीं है जेल में जाने के बाद। उसी पे सारा डिबेट था और उसी पे बात हो रही थी। देख ही सकते हो अब खत्म हो गया डिबेट और हम निकलने का। और भाई अब इनकी डिबेट चालू हो गई है, जो कि डिबेट खत्म होने के बाद चालू हुई है कुछ बातों के ऊपर। ठीक है, निकल रहा हूँ घर भाई, और उसके बाद घर पहुँचने के बाद ब्लॉग एंड करूँगा। ठीक है, डिबेट में जो जो लोग खड़े हुए थे दोस्तों उन्हीं के साथ बातचीत चालू हो गई है। किस किस मुद्दे पे बात हुई थी उसी के टॉपिक के ऊपर एक दूसरे से बातें करे जा रहे हैं। और कुछ नहीं है, कह रहे 5 मिनट रुक जाओ फिर चलेंगे। देख ही सकते हो पीछे सब लगे पड़े हैं और आवाज़ देख रहे हो यहाँ तक आ रही होगी आपको, सुनाई दे रही होगी बढ़िया। लेकिन पार्क बहुत अच्छे से मेंटेन करा हुआ भाई है नीतिकंठ थर्ड में, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों फाइनली आ गया था घर भाई, कपड़े वपड़े चेंज कर लिए, थोड़ा लेट गया और थोड़ी बॉडी में मुझे लग रहा आराम की जरूरत है दोस्तों। कल ना ठंडा पानी के पीने के बाद ना एसी में लेट गया हूँ, जब से मेरे को ना ऐसा जुकाम हो रखा है कि छेक से मेरी पूरी बॉडी हिल रखी है इस टाइम बहुत ज़्यादा। रात को भी दवाई खा के सोया था, लेकिन मैंने कहा चलो भाई आज भी एक दो काम जरूरी थे तो वहाँ गए थे, एक तेरवी में गए थे और उसका डिबेट थी, डिबेट में गए थे अध्यक्ष जी के साथ हमारे साथ। लेकिन आज बहुत मजा आ गया दोस्तों, डिबेट जिनने देखी हो उनकी लाइव। लेकिन जो बैठ गया माँ एक दूसरे के कमेंट सुनने थे ना उसमें भाई साहब इतना मज़ा आ रहा था दोस्तों। मेरी वीडियो में है दोस्तों जो मेरे अगल बगल में सब बैठे हुए थे तो सब अपना अपना कमेंट करे जा रहे थे भाई साहब जब डिबेट चल रही थी उन लोगों की, इतना मस्त लग रहा था। और हमारे अध्यक्ष जी ने भी, हरमीत भैया जी ने भी अपना क्या कहते हैं स्पीच दी थी, और मैम जयश्री मैम ने भी दी थी, और क्या कहते हैं पूर्व मंडल अध्यक्ष जी ने भी दी थी। तो काफ़ी अच्छा लगा, तो सब ने अपनी बात भी रखी थी तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों। जो टॉपिक था ना वो था केजरीवाल, जेल का टॉपिक केजरीवाल कि भाई अंदर रहने के बाद भी अपनी सीट छोड़ने को क्यों तैयार नहीं है। तो ये टॉपिक था, मज़ेदार टॉपिक था, बहुत मज़ा भी आया होगा आप लोगों ने अगर आपने वीडियो देखी हो दोस्तों पूरी, तो क्योंकि जिनने पूरी वीडियो देखी होगी उसे ही मज़ा आया होगा दोस्तों, नहीं तो क्या ही मज़ा आया होगा। लेकिन भाई हमारे मुस्लिम धर्म भाइयों ने भी देखा होगा आपने कितने बढ़िया शब्द बोले ना, दिल खुश हो गया रियली में। ठीक है दोस्तों, तो भाई ये छोटा सा ब्लॉग मैंने बनाया था तो इसको मैं एंड करता हूँ। होप मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ चैनल वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉगों के साथ। ठीक है दोस्तों, बाय बाय दोस्तों, जय श्री राम।